हेलो एवरीवन, आज मैं शेयर करने आपके साथ बहुत ही इजी बिगिनर फ्रेंडली विंटर मेकअप लुक, जो कि आप पार्टी में कहीं भी जा सकते हो करके बहुत ही ज़्यादा आई मेकअप इजी बनाया मैंने इसमें। एंड सारे प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, बजट में है, और आप वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। कई सबसे पहले मैंने फेस को प्रेप किया है। आपको विंटर में आपको ध्यान रखना है, मेकअप से पहले अपने फेस को हमेशा प्रेप करना है बहुत अच्छे से। मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर से अपने फेस को हाइड्रेट कर लिया है, एज ए टोनर मैंने इसे यूज़ किया है। एंड देन उसके बाद अच्छे से अब्जॉर्ब होने के बाद मैंने यहाँ पे लैक्मे का पीच मिल मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। गाइज़ दिस इज मॉइस्चराइज़र, विंटर में मुझे ऑलमोस्ट सभी लोग यूज़ करते होंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइज़र है ये। आपको मैं बता दूं कि अपने स्किन के हिसाब से यह प्रोडक्ट यूज़ करो, जैसे कि विंटर में ऑलमोस्ट सभी की स्किन थोड़ी ड्राई हो ही जाती है, तो अपने स्किन को अच्छे से प्रेप करो। मैंने यहाँ पे रोज़हिप सीरम यूज़ किया है गुड वाइब्स का, क्योंकि विंटर में थोड़ी स्किन थोड़ी ड्राई ड्राई लगती है और मेकअप करने पर तो और थोड़ी ड्राई हो ही जाती है, तो इसलिए आपको फेस सीरम या फेशियल ऑयल कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनसाइड का प्राइमर यूज़ किया है। आप चाहो तो कोई भी अपने स्किन के हिसाब से प्राइमर यूज़ कर सकते हो। मुझे ये प्राइमर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, एकदम फेस को फ्लॉलेस बना देता है, एंड फाउंडेशन ब्लेंड करते वक्त बहुत ही इजी होता है। फाउंडेशन मैं यहाँ पे ले रही हूँ मिलीपिन का फिटमी फाउंडेशन 230 का शेड है। एंड गाइस ये फाउंडेशन मुझे हर सीज़न में बहुत अच्छा लगता है गाइस, कि मुझे इसे ब्लेंड करने में बहुत ज़्यादा इजी होता है, और मुझे लगता है कि बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छा फाउंडेशन ये साबित होता है, क्योंकि इतना अच्छा फाउंडेशन है, प्लस आपको आराम से 3-4 घंटे तक स्टे करता है अगर आप इसे अच्छी तरीके से मेकअप करते हो इससे, एंड मेकअप फिक्सर लगाते हो इसके ऊपर। गाइस उसके बाद मैं यहाँ पर कंसीलर से अपने डार्क सर्कल को सेट कर रही हूँ। गाइस मेरे वैसे डार्क सर्कल छुप गए थे, मेरे डार्क सर्कल उतने हैं नहीं, इसलिए फाउंडेशन से मुझे कवरेज मिल गई थी। आपके अगर डार्क सर्कल ज़्यादा है तो आप पहले ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर सकते हो अगर बहुत ही ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट हाईलाइट के लिए मैंने यहाँ पे फिटमी का कंसीलर ले लिया है, जिसका शेड है मीडियम 25, एंड अच्छे से ब्लेंड कर ली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लूज पाउडर से सेट करूँगी अपने बेस को। गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, मेकअप लुक अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी वीडियो के लिए, और वीडियो एंड तक देखना। मैं आपके बीच बीच में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देती जाऊंगी किस तरह से आपको मेकअप को फ्लॉलेस बनाना है, एंड बहुत ही अच्छे से अपने मेकअप को स्टे कैसे हो सकते हैं, विंटर में ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं होगी। मैंने यहाँ पर लूज़ पाउडर से सेट कर लिया, लैक्मे का रोज़ पाउडर है ये, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये। एंड उसके बाद मैंने आईब्रो बनाया है वेट एंड वाइट का पैलेट से। गाइस मेकअप को फ्लॉलेस होने के लिए मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि आपके फेस हमेशा प्रेप रहनी चाहिए, तभी आपका मेकअप फ्लॉलेस होगा। ठंड में बहुत ज़्यादा विंटर ये हो जाता है ना गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे मेकअप फिक्सर यूज़ किया है साइड का, पहले ही पाउडर को सेट करने के बाद, जिससे कि सारी चीज़ें मेल्ट हो जाए। मैंने ना डायरेक्टली फेस पे स्प्रे नहीं किया है, मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से स्प्रे करके डैब डैब करके ये क्या बोलता है फिक्सर को लगाया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है ना, कि हमें क्या होता है ना, पूरा मैट नहीं चाहिए, हमें थोड़ा ड्यूई फिनिश चाहिए, इसीलिए हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करके उसे लगाते हैं, अपने पूरे फेस पर मेकअप सेट कर देते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट पैलेट दिया। मैं सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही ईजी वाला मैंने आई मेकअप बताया है। मैंने यहाँ पर हल्का ब्राउन शेड लिया है, जिसे उसको ब्लेंड किया है, एंड पिंक शिमरी शेड लेके उसे आई बॉल पे प्लेस कर दिया है। बहुत ईजी आई मेकअप है, आपको बस दो ही शेड चाहिए, आप कोई सा भी पैलेट से यूज़ कर सकते हो। और ब्लश मैंने हल्का यूज़ किया है, क्योंकि ठंड में ब्लश तो होना ही चाहिए गाइज। कोई सा भी आप पिंक लिपस्टिक ले सकते हो या फिर पिंक ब्लश ले सकते हो। मैंने यहाँ पर कोई स्टिक ओके की लिपस्टिक थी, मैंने वही वाला यूज़ किया है। एंड मैंने लाइनर के लिए मेबलिन न्यूयॉर्क लाइनर यूज़ किया। गाइस ये मेरा ऑलमोस्ट फेवरेट वाला लाइनर है, ये मेरा आज से नहीं है, कम से कम अच्छे टाइम हो गया, ये मेरा ख़त्म भी हो गया है ऑलमोस्ट। बहुत ही अच्छा लाइनर है, जब मैंने इसे लगाया था ना तो मेरा पूरा एक दिन चलता है ये लाइनर, मतलब सुबह से लेकर रात तक अगर, और बता गर्मियों में थोड़ी सी ये मतलब दिक्कत करता है कि वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन ठंड में बहुत अच्छा चलता है ये। एंड देन गाइस मैंने ये विंग लाइनर बनाया है, क्योंकि मुझे विंग लाइनर बनाने का मन था। एंड मैंने मस्करा के लिए आई में आप चाहो तो फॉल्स लैशेज लगा सकते हो, मैंने यहाँ पे मस्करा यूज़ किया है मेबिन का ही, बहुत ही अच्छा मस्करा है। एंड गाइस आप देख सकते हो मेरा आई बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड उसके बाद मैंने काजल, आप चाहो तो काजल स्किप भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे आईज़ को और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए काजल यूज़ किया हुआ है। मैंने यहाँ पे ममा अर्थ का काजल यूज़ किया है, बहुत अच्छा काजल है गाइस। मैंने यहाँ पे सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे यूज़ किए हैं, बजट में है। यहाँ पे हाइलाइटर के लिए हमने स्विस ब्यूटी का ये एक पैलेट आता है, ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट, मैंने वो यूज़ किया। मैं आपको लिंक दे दूँगी, इजीली आप बाय कर सकते हो। तो
या फिर कोई बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो आप इस मेकअप को इजीली कर सकते हो। बहुत ही अच्छा टाइम तक टिकेगा भी ये मेकअप। अब लिप्स के लिए मैं यहाँ पे ना ब्राउन कलर की लिप्स को लिप लाइनर एज ए यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एलिटिन का लिया है, इसका जो शेड है वो है न्यूड लाटे, बहुत ही अच्छा शेड लगता है मुझे। अगर आपने बहुत ही आउटफिट बहुत ही ज़्यादा डार्क पहना है तो आप इसे ही लिपस्टिक एज ए चूज़ करना, लेकिन मैंने यहाँ पे लाइट मेकअप किया है और मैंने यहाँ पे स्वेटर पहना है टर्टल नेक वाला, तो मैंने यहाँ पे पिंक शेड अप्लाई किया है बीच में। स्टे कोकी की जो मैंने ब्लश यूज़ किया था ना, वो मैं आपको सारी चीज़ें नीचे लिंक में दे दूँगी। तो गाइस देख सकते हो, दिस माई फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा लुक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।